जन्म विछड़े दुख पाया, अनेक जन्म विछड़े दुख पाया, मन मुख कर्म करे अहंकारी, मन मुख कर्म करे अहंकारी, साधु पर सत ही प्रभु पाया, साधु पर सत ही प्रभु पाया, गोविंद शरण तुम्हारी, गोविंद शरण तुम्हारी, प्रीत लगी अति प्यारी, प्रीत लगी अति प्यारी, गोविंद प्रीत लगी अति प्यारी, गुप्त वसे दिन राती, तू हृदय गुप्त वसे दिन राती, तेरा पाँव न बुझे गवारी, तेरा पाँव प्रभु प्रगटिया, सतगुर पुरख मिलिया प्रभु प्रगटिया, गुण गावै गुण विचारी, गुण गावै गुण विचारी, अति प्यारी प्रीत लगी अति प्यारी, गोविंद प्रीत लगी अति प्यारी, प्रीत लगी अति प्यारी, thank you.
आत्म ब्रह्म चीन सुख पाया, आत्म ब्रह्म चीन सुख पाया, सत्संगत पुरख तुम्हारी, सत्संगत पुरख तुम्हारी प्रीत लगी अति प्यारी, प्रीत लगी अति प्यारी, अनेक जन्म बिछड़े दुख पाया, मनमुख कर्म करे अहंकारी। तुझसे दूर थे, भटकते थे, कर्म करते थे, कर्मों के फल भोगते थे, अहंकारी थे। साधु परसत ही प्रभु पाया, साधु को परसा देखा और प्रभु मिल गए। और ये प्रभु कैसे मिले? गोविंद शरण तुम्हारी, जब शरणागत हुआ। तू हृदय गुप्त वसै दिन राति, कहाँ है वो गुप्त रूप से तेरे ही हृदय में। जो बैठा है तेरा पाओ न बुझे गवारी, जो गवार है, मूढ़ है, अज्ञानी है, वो तेरे इस स्वरूप को कभी नहीं ढूंढ पाएगा। सतगुरु पुरख मिलिया प्रभ प्रगटिया, जब मुझे सतगुरु मिले तो अंतर बैठे प्रभु प्रगट हो गए। गुण गावे गुण बिचारी, अब मैं प्रभु के गुणों को गाता हूं, पर
बेहोशी में नहीं, विचार करते हुए गाता हूँ। जैसे उसके गुण हैं, उन गुणों की पहले विचार है, विवेक है। और ये विवेक मिला कहाँ? जब सत्संग भये साधु जन, जब ये साधु जन मिले, सत्संग हुआ, तो हृदय मिलया शांत मुरारी, तो हमें हमारा कृष्ण मुरारी हमारे हृदय में मिला। पर जे जो मेरे हृदय में कृष्ण मुरारी है, वो शंख चक्र गदा पदम नहीं उठाता, वो हाथ में बंसरी नहीं उठाता, सिर पे मुकुट नहीं पहनता, कोई पीताम्बर नहीं पहनता, कर्णों में कुंडल नहीं, पैर में पायल नहीं, कमर में करधनी नहीं, क्योंकि वह तो ब्रह्म रूप से है आत्म ब्रह्म। चीन सुख पाया ब्रह्म रूप से, आत्म रूप से मेरा कृष्ण मेरे ही अंदर है। और इस कृष्ण को मिला तो अतुल्य, जिसकी तुलना नहीं हो सकती, सहज सुख पाया। नहीं कह रहे कि मुझे डर लग रहा है, कि ब्रह्म को जाना तो डर लग रहा है। नहीं कह रहे हैं कि ब्रह्म को दर्शन कर मैं व्याकुल हो रहा हूं, कुछ भी नहीं। अतुलनीय सहज सुख मिल रहा है। अन दिन जागत रहे बनवारी, मेरा बनवारी मेरे इस हृदय के वन में है और हमेशा जागृत है। साक्षी हमेशा जागृत है, साक्षी कभी सोया ही नहीं। चैतन्य सत्ता कभी सोती ही नहीं। और इस चैतन्य सत्ता का जिसने बोध प्राप्त किया, उसके लिए वो कहते हैं शरण में गए गोविंद की, गोविंद ही मिला। गोविंद के प्रेम ने मुझे इतना अपने साथ जोड़ा कि आत्म ब्रह्म रूप हो, हम एक थे एक हैं, ये बस दिख गया। गुरुमुख प्रकाश भया शांत आई, अब मेरे अंदर प्रकाश हो गया है, अतुलनीय शांति मेरे हृदय में प्रकट हो गई है। और दुर्मत बुद्ध निवारी, जिस बुद्धि में दुर्मति थी, एक है सन्मति एक है दुर्मति। सन्मति क्या है? जो सत्य को जांचे समझे, ऐसी बुद्धि, बुद्धि को मति भी बोलते हैं, ऐसी बुद्धि ऐसी मति जो सत्य का विचार करते हैं उसको कहते सन्मति। और ऐसी बुद्धि ऐसी मति जो संसार का विचार करे, मन का विचार करे, मन से अपने आप को जोड़ के रखे। और मन क्या है? कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी गमगीन है, कभी नाचता है, कभी जीता है, कभी मर जाता है। तो जो तुम अपने आप को मन से जोड़ोगे, तो मन के इन बदलते रंगों के साथ तुम भी बदलते 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 रहोगे। कभी उठोगे सुख की लहरों के साथ, कभी गिरोगे दुख की लहरों के साथ। तो ये उठना गिरना ये दुर्मति है। और मेरी दुर्मत का निवारण हो गया। कब हुआ? जब सत्संग भये साधु जन, जब ये संत जनों का, साधु जनों का सानिध्य मिला, तो गोविंद ये प्यारा प्रेम तेरे प्रति जगा। और देखो तेरे इस प्रेम ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। दुर्मति में थे, सन्मति में तड़पते थे, दुख पाते थे, कर्म करते थे, कर्मों के फल भोगते थे, अहंकार की पीड़ा को भोगते थे, और इन सब से तुमने छुड़ाया, पुरुख मिला, गुरु पाया। गुरु मिला तो पुरुख को पुरुख मिल गया। पुरुख माने जीव, और वो पुरुख कौन सा? जिसको गीता में कहा सनातन पुरुष, जिसको कहा अकाल पुरुख। गुरु मिला तो इस पुरुष ने उस पुरुष को पाया। अच्छा, पाया कैसे? पाया कैसे? वो कहते आत्म ब्रह्म चीन, आत्मा ही ब्रह्म था, ये जीव ही ब्रह्म था, इसको जानना ही परमात्मा का मिलना है। अगर तुम ये सोचते हो कि कोई बड़ा सा रूप, बड़ा सा आकार वाला शरीर कोई तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा, जिसमें से सूरज और ज्योतियां निकल रही हों, भाई ये तो ड्रामा है, ये सत्य नहीं है। और सत्य को किसी ड्रामे की जरूरत नहीं है। ऐसे तो सारा जगत ही ड्रामा है, तो इस जगत के ड्रामे में एक ये भी ड्रामा है। आत्म ब्रह्म चीन सुख पाया, मैं शुद्ध आत्मा ही ब्रह्म हूं, इसको देखते ही चीन न
चीन माने देखना, परसना चीनना देखना एक ही बात है। ऐसा देखते ही ऐसा जानते ही परम सुख हो गया। ये क्या है? ये है गोविंद का प्रेम। गोविंद का प्रेम तुम्हें भय नहीं देता, गोविंद का दर्शन तुम्हें आकुल व्याकुल नहीं करता है। और अगर तुम आकुल व्याकुल हो रहे हो तो जानना किसी लीला को देख रहे हो, उसके वास्तविक स्वरूप को अभी नहीं देखा है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच, एवं सतत युक्ता ये भक्ता सत्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षर्म व्यक्तं तेषा के योगवित्तमः। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन इस पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए, आप सगुण रूप परमेश्वर अति श्रेष्ठ भाव से जो आपको उपासते हैं और जो अविनाशी सचिदानंद घन निराकार को ही उपासते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम कौन है ये बताइए। आप देखो, अब सरगुण और निर्गुण की लड़ाई लगी शुरू होने। यहाँ पे अर्जुन कहता है, जो तेरे इस रूप को, इस सगुण रूप को प्रेम करे और जो तेरे निर्गुण रूप को प्रेम करे, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? देखिए, जो ज्ञानियों के शिविर में बैठे हैं वो कहेंगे निराकार श्रेष्ठ है, जो सरगुण भक्तों के खेमे में बैठे हैं वो कहेंगे कि सरगुण श्रेष्ठ है। तो दोनों ही आपस में एक दूसरे को नीचा गिराना चाहते हैं। अभी देखो वो क्या बोलते हैं, उनका भी सुन लेते हैं। प्रश्न तो आ गया, अब जवाब भी देखते हैं। जवाब क्या है? श्री भगवान उवाच, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा परयोपेतास्ते मे युक्त मामतः। मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्त जन है वह अतिशय श्रेष्ठ है, श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे को योगियों में भी उत्तम योगी मान्य है, वो मुझे सबसे श्रेष्ठ है। आगे, ये त्वाक्षर मनिर्देशम व्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रगम चिंतयम च कूटस्थमचलम ध्रुवम सम्यमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हितेरतः। और जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते उपासते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए सब में समान भाव वाले योगी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। क्या जवाब आया? जो मुझे सगुण जान के पूजते हैं तो श्रेष्ठ हैं, योगियों से श्रेष्ठ हैं। अच्छा जी, और प्राप्त कौन करते हैं? जो मुझे सच्चिदानंद घन रूप से जानते। देखिए, आप हमारे गुण रूप को देखकर हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन जैसे हम हैं तत्वतः, अगर तुम वो नहीं जानते हो तो मेरे रूप को तो तुमने देखा सराहा, पर मेरी प्राप्ति तो तभी होगी ना जब मैं जैसा हूं उसको तू जाने। जवाब बहुत लपेट के दिया। इसीलिए श्री कृष्ण को लीलाधारी कहते हैं, ये बड़े खेल खेलते हैं, जवाब सीधा देने नहीं वाले हैं ये। और ये इतनी जगह छोड़ते हैं आपके अनुमानों के लिए कि अब तुम्हारी मर्जी है, जो कर लो। ऐसे ही है ना, बच्चे पूछते हैं, दो बच्चे अपने माँ बाप से पूछते हैं, मुझे ज्यादा प्यार करते हो कि इसको? क्या बोलेंगे माँ बाप? तू तो मेरा लाडला बेटा है और ये तो रानी बेटी है, कौन है प्यारा?
दोनों को खुश कर दिया। वो कह रहा, देखा मुझे बोला तू लाडला बेटा है तो मैं तो हूँ लाडला बेटा। तो कहती तो मैं रानी हूँ, चलो रहो खुश दोनों। भाई अगर कृष्ण से लीला करनी है, कृष्ण से खेल करना है, तो कृष्ण के सगुण रूप से ही तो खेल करोगे। निर्गुण में तो कुछ कंपन नहीं है, तरंग ही नहीं है, शांतरस है, पर खेल खेलने के बाद अंततः तुम्हें अपने घर को जाना होगा। तो कृष्ण से खेल तो खेले, पर अगर कृष्ण के वास्तविक घर का पता नहीं है तो भटकता ही रह जाएगा। देखो ना, अर्जुन ने खुद कहा कि मैं आपको अपना सखा मित्र जान के आपसे मजाक करता रहा, उठते बैठते सोते खाते में आपसे जाने क्या बदतमीजियां मैंने कर दी होंगी, मैं तो जानता नहीं था, हम तो खेल खेल रहे थे। तो उसके लिए भी क्षमा मांगता हूं मैं। तो कृष्ण के सगुण रूप से खेलिए, पर स्थिति तो निर्गुण को जान के ही होगी। मोह भव बंधन तो ज्ञान से ही छूटेगा। बहुत से जो लोग हैं वो अपने गुरुओं से लीला करते हैं, गुरुजी को मिलेंगे, आएंगे, जाएंगे, प्रणाम करेंगे, पैसे चढ़ाएंगे, कपड़े लाएंगे, खाने का सामान लाएंगे, जो भी कुछ काम हो गुरु के आसपास वो सब करते हैं, ध्यान नहीं करते। तो ध्यान क्यों नहीं करते? कहते जी ध्यान व्यान क्या है, हमें उससे कोई लेन देन। ख्याल रखिए, तुम इसे प्रेम मत समझ लेना। अच्छा, गुरु तेरे साथ तेरी इस लीला का भाग बनता रहेगा तो तू खुश रहेगा। और मान लो किसी दिन गुरु ने कहा नहीं बस अब नहीं लाओ खाने को, अब नहीं लाओ, तो तुम कहोगे लो गुरु तो रूठ गए, हमारा रिश्ता ही खत्म हो गया। ऐसे समय में गुरु ने जो ज्ञान दिया था, जो ध्यान सिखाया था, अगर तूने वो साथ में नहीं किया है तो गुरु की इस बाहरी लीला के समाप्त होते ही तू बहुत गहरे शोक में चला जाएगा। फिर अगर ध्यान नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो फिर गुरु से प्रेम की लीला करते करते में भी कहीं ना कहीं ये कंपटीशन आ जाएगा, तू आगे हो गया, मैं पीछे हो गया, मेरे नंबर कम हो गए, तेरे नंबर ज्यादा हो गए, ये कौन आ गया नया, ये कौन चला गया, तो ये अजीब सी पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। अब देखिए ना, कृष्ण और गोपियों के खेल में, लीला में क्या होता था, ललिता नाराज हो जाती है, तुम हमेशा राधा के पास बैठते हो, हमारे पास तो बैठते नहीं हो। और कभी कृष्ण के जो सखा हैं वो लड़ते हैं, तू उसके साथ जाता है हमारे साथ नहीं जाता, तू उनके साथ गेंद खेलता मेरे साथ नहीं खेलता, लीला में फिर ये झगड़े भी होंगे। यशोदा से पुत्र होने की लीला चल रही है कृष्ण की, पर जब कृष्ण को गोकुल छोड़ के द्वारिका मथुरा जाना पड़ा तो यशोदा रोती है, मत जा मत जा मत जा। वो कहते मेरा खेल खत्म, नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है, अब तो मुझे जाना ही है। उस समय कृष्ण को न यशोदा के आंसू रोक पाए, न गोपियों के आंसू रोक पाए, न राधा के आंसू रोक पाए। जिस राधा के लिए वो कुछ भी कर सकते थे, ये सब सखियां, ये सब गोपियां कहते हैं मार्ग में लेट गईं कि अब रथ हमारे शरीर के ऊपर से चला के जाओ तो जाओ, हम रास्ते से उठेंगे नहीं। और श्री कृष्ण नीचे उतर के आते हैं और जैसे तैसे गोपियों को समझा बुझा के किनारे में कर जाते हैं और रोते तड़पते हुए उन्हें छोड़ के चले जाते मथुरा। तो कृष्ण लीला में अगर सुख है तो दुख भी है, मिलना है तो बिछड़ना भी है, रोष भी है, क्रोध भी है, जलन भी है, ईर्ष्या भी है। एक बड़ी प्यारी कथा आती है, कहते एक दिन श्री राधा कृष्ण के साथ बैठी हुई थी, उन्होंने अपनी बाहों को कृष्ण के घुटनों पर रखा हुआ था और वो बड़े प्यार से कृष्ण के श्रीमुख को देख रही हैं। कृष्ण के गले में एक कौस्तुभ मणि थी,
मणि ऐसी कि उसमें राधा को अपना ही चेहरा प्रतिबिंबित हुआ दिखा। और राधा तड़प के बोलती हैं, ये किस नारी की छवि को अपने हृदय के साथ लगा के बैठा, अपनी ही तस्वीर को मणि में रिफ्लेक्टेड देखती है तो पूछती है, ये किसको तू प्रेम करता है इतना कि उसके चित्र को तू अपने सीने पर लगा के बैठा। कृष्ण कहते हैं, राधे तेरे अलावा मेरे हृदय में कोई नहीं। कहती, झूठ बोलते हो, मैंने अभी देखा। क्या देखा? उसने देखा अपना ही चेहरा। भागवत की ये कथा कहती है कि राधा कृष्ण में बड़ा फिर आपस में ये मनमुटाव हुआ। वो कहते, तू मुझसे प्रेम नहीं करता, तू तो किसी और को प्रेम करता। और फिर कृष्ण जैसे तैसे उसे राजी करते हैं। कहते, नहीं, मैं तेरे को ही प्रेम करता हूँ। और उसको ऊपर चट्टान में बैठा दिया और राधा के पांव अपने हाथ में लेकर उसके पांव को सहलाते, कहते, देख, मैं तो तेरा दास बन के तेरे पांव की धूल को भी उतारता हूँ, तेरे अलावा मैं किसी को प्रेम नहीं करता। अब कृष्ण का ये चरित्र बहुतों को समझ नहीं आ रहा, ये कैसे है। ये कैसे हैं? जो जैन मुनि है, जो बौद्ध भिक्षु है, वो कहता है, स्त्री को छूना तो बड़ी दूर की बात है, स्त्री को देखना भी नहीं चाहिए। कृष्ण को बौद्ध भिक्षु भगवान कैसे देखे? बड़ी दिक्कत। पर ये याद रखें कि सत्य एक ही भांति प्रकट नहीं होता है। बुद्ध के भीतर जो सत्य प्रकट था, वही कृष्ण के अंदर सत्य प्रकट है। पर कृष्ण का व्यक्तित्व अलग है और बुद्ध का व्यक्तित्व अलग है। दोनों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन बुद्ध और कृष्ण एक ही हैं। पर ये बात कृष्ण भक्तों को समझ नहीं आनी है कि कृष्ण और बुद्ध एक कैसे, और यही बात बौद्ध भिक्षुओं भिक्षुणियों को समझ नहीं आनी है कि ये कृष्ण बुद्ध एक कैसे। बुद्ध देखिए अपनी पत्नी को त्याग देते हैं, पुत्र को त्याग देते हैं, और कृष्ण को देखिए, पत्नियां, प्रेयसियां, रहनियां, महारानियां, बुद्ध और कृष्ण एक कैसे।